पंचांग के अनुसार इस साल ये तिथि 31 नवंबर को रात 9:30 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 नवंबर को रात 9:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत कर पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इसलिए इस दिन चंद्रमा का भी काफी महत्व होता है और चंद्रमा के निकलने का इंतजार महिलाएं दिन भर बेसब्री के साथ करती हैं। 1 नवंबर यानी करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात को 8:26 पर है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व माना जाता है और कहते हैं कि जिस प्रकार सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगे थे, उसी प्रकार हर महिला का सुहाग उसके साथ रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ही महाभारत के दौरान पांडवों के प्राणों को कोई नुकसान नहीं हुआ। करवा चौथ का व्रत रखने से पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, लेकिन ध्यान रहे कुछ भी करने से पहले आप अपने किसी बड़े या अपने पंडित जी या किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह जरूर लें।